थैंक यू। सो गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज का सेशन हमने इसके लिए रखा है ताकि हम जान सके कि करेंसी में क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम क्यों ट्रेड कर सकते हैं करेंसी में, क्या बेनिफिट्स है, कैसे बहुत लेस रिस्की प्रोडक्ट है अमंग ऑल द डेरिवेटिव्स। तो ये हम जानेंगे। मैं अनीशा अग्रवाल आनंद राठी में 2 साल से हूँ, प्रोडक्ट सपोर्ट देखती हूँ फॉर करेंसीज, चाहे ब्रांचेस हो चाहे क्लाइंट्स हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू करेंसी। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ माई पीपीटी एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू बी ऑन म्यूट सो दैट यू नो देर इज नो डिस्टर्बेंस। अनिशा, यू आर ऑडिबल, यू प्लीज गो अहेड। ओके, सो आज हम क्या क्या सीखेंगे, हम क्या क्या ये पीपीटी में प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इंटरनेशनल वर्सेस इंडियन एक्सचेंज मार्केट का जो सिनेरियो है हम वो जानेंगे, क्या है, कौन से करेंसी के पेयर्स अवेलेबल है, एक इन्वेस्टर को या ट्रेडर को क्या अट्रैक्ट करता है करेंसी में ट्रेड करने के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है करेंसी मार्केट में, हमारे साइड से आनंद राठी की तरफ से क्या रिसर्च ऑफर करता है, क्या एडवाइजरी करता है, इन केस अगर कोई क्लाइंट को ट्रेड करना है उनको डीलर सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास सेंट्रलाइज कस्टमर डीलिंग डेस्क है जहां आप कॉल करके ट्रेड रखवा सकते हैं एंड आपको पूरा डीलर असिस्टेंट दिया जाएगा। व्हाट्सएप सर्विसेज है हमारे पास क्लाइंट के लिए जहां आपको सब मैसेजेस जो भी कॉल्स करेंसी एंड कमोडिटीज में आता है वो व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। और लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल सबका शेयर करूंगी फॉर पर्टिकुलर पर्सन। अब हम देखें जैसे कि इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल वर्सेस इंडियन मार्केट, अगर यहाँ का मैं देखूँ सिनेरियो तो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडेड है करेंसी, सेकंड आता है कमोडिटी, थर्ड आता है इक्विटी। ये इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो है, जबकि अपना इंडियन एक्सचेंज का मार्केट का ये सिनेरियो है कि सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, सेकेंड करेंसी में होता है, थर्ड कमोडिटी में होता है। तो अगर मेरे पास कोई भी आता है और मैं पूछूँ उसको इक्विटी क्या होता है तो 100% उनको मालूम होगा, बट मे बी करेंसी कमोडिटी नहीं मालूम है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इंडियन एक्सचेंज मार्केट का ये है कि इक्विटी इज द हाईली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे मैं हर चीज इक्विटी से कंपेयर करना चाहूंगी ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इक्विटी डेरिवेटिव्स अगर मैं बात करती हूँ तो नई नई करके 500-600 स्क्रिप्ट है जो हम नहीं ट्रैक कर सकते हैं एवरी डे डे टू डे में, किसी में क्या न्यूज आया, बहुत सारा मूवमेंट हो जाता है। बट करेंसी का ऐसा नहीं है, देर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी, वन इज क्रॉस करेंसी एंड सेकेंड इज इंडियन पेयर। तो क्रॉस करेंसी का जो है वहां बेस करेंसी यूएसडी होता है, तो उसके अंडर क्रॉस करेंसी के अंडर 3 पेयर है, फर्स्ट इज यूरो यूएसडी, सेकेंड इज जीबीपी यूएसडी, थर्ड इज यूएसडी जेपीवाई। तो ये जो 3 पेयर है उनको क्रॉस करेंसी बोलते हैं बिकॉज उनका जो बेस करेंसी है वो यूएसडी है। फिर हम आते हैं अपने इंडियन पेयर्स पे जिनका नाम है यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। ये 4 पेयर्स है जिनका सबका, चाहे क्रॉस करेंसी हो जाए या अपना आईएनआर करेंसी हो जाए, सबका लॉट साइज 1000 है। तो इट रिमेन्स द सेम कॉन्स्टेंट लॉट साइज रहेगा, इक्विटी जैसा आपका अलग अलग लॉट साइज नहीं रहेगा। और इसमें सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड जो 80% एक्सचेंज का वॉल्यूम्स है वो यूएसडी आईएनआर से आता है। क्या अट्रैक्ट करेगा हमारे कस्टमर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को, क्यों करना चाहिए करेंसी में ट्रेड? सबसे पहली चीज है लेस वॉलेटाइल है। अगर मैं पूरा दिन का एक एवरेज भी पकड़ो तो 50-60 पैसे का मूवमेंट होता है एक दिन में। तो जब मूवमेंट ही नहीं है तो आपका ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी मिलता है। एटलीस्ट वो जो 30-40 पैसे में घूमता है तो उसमें आप बहुत सारा ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड है लो मार्जिन्स। मैं अगर मार्जिन की बात करूं तो हर एक क्लाइंट है ना मेरा इक्विटी डेरिवेटिव क्लाइंट नहीं हो सकता है क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो मार्जिन्स है वो बहुत हाई है। तो हर एक के पास उतना कैपेसिटी हो या उतना रिस्क टेकिंग का कैपेसिटी हो वो नहीं होता है। यहाँ जो मार्जिन है वो बहुत लो है, चाहे कोई भी करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड करें 2000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 2000-2200 के आसपास का मार्जिन है जो सब मतलब कर सकते हैं ट्रेड 2000 का मार्जिन पे एक लॉट का। सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा करेंसी हमें ट्रैक नहीं करना है। अगर मैं बात कर रही हूँ करेंसी मतलब अपना इकोनॉमी का बात कर रही हूँ तो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं है।
एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स अगर मैं बात करूं तो आपका जो इक्विटी मार्केट है वो 9 to 3:30 रहता है, बट जो करेंसी का मार्केट है वो 9 to 5 o'clock तक है। तो आप 3:30 के बाद 5 बजे तक भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका इक्विटी का जब सब पूरा हो जाता है पोजिशंस, तब आप वही मार्जिन पे आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। लो कॉस्ट, इसमें एसटीटी कॉस्ट नहीं है, इसके लिए कॉस्ट लो आता है। वन मार्जिन सिस्टम, एज एन आनंद राठी वी प्रोवाइड वन मार्जिन सिस्टम टू द क्लाइंट। सो इफ अ क्लाइंट हैज गिवन इज 1 lakh का चेक, ही कैन ट्रेड इन इक्विटी ऑल्सो, इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑल्सो, करेंसी डेरिवेटिव्स ऑल्सो एंड कमोडिटी। ही डजेंट नीड्स टू टेक एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। मतलब अगर आपको करेंसी में करना है तो आपको पैसा करेंसी सेगमेंट में डालने की जरूरत नहीं, हमारे पास वन मार्जिन सिस्टम है। तो आपने अगर आनंद राठी में चेक दिया है या ट्रांसफर किया है पैसा, तो आप सब सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो 3:30 के बाद भी आप 5 बजे तक करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, वही मार्जिन पे। कितने बज रहा अभी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज इन करेंसी ट्रेडिंग, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बहुत कम प्रीमियम का आपको मार्जिन लगता है, कुछ 17-18 पैसे का मार्जिन रहता है। तो ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क ज्यादा नहीं है। तो हम आगे प्लेन वैनिला स्ट्रेटजी का एक एग्जांपल लेंगे, और क्या होता है प्लेन वैनिला स्ट्रेटजी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड है हेजिंग, जैसे कि इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं वो करेंसी में इसके लिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उनका रिसीवेबल्स आना रहता है और देना रहता है, तो उन लोग हेजिंग करते हैं करेंसी में, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। कोई भी इम्पोर्टर्स हो गया या एक्सपोर्टर्स हो गया, वो ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हेजिंग के लिए। थर्ड आ गया ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करेंगे आपको, जहां मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा होता ही है, 90-95% का हमारा एक्यूरेसी है वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। एंड थर्ड आ गया फ्यूचर्स, करेंसी मार्केट का, फ्यूचर्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं फ्यूचर्स का। अब ऑप्शंस में जो प्लेन वैनिला स्ट्रेटजी होता है, अगर आपको लग रहा है कि यूएसडी ऊपर जाएगा तो आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, और आप उसका जो प्रीमियम आता है वो अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 पैसे का आता है। तो एक लॉट अगर मैं 1000 का बोल रही हूँ और 20 पैसे का प्रीमियम हो गया, तो जस्ट आपका 200 रुपीज का ये है एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप बहुत ही कम अमाउंट में ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका यूएसडी नीचे जाएगा, तो आप लॉन्ग पुट का एक ऑप्शन ले सकते हैं। पुट का ऑप्शन ले लिया, उसका भी प्रीमियम कम ही रहता है, 17 से 18 पैसे का कुछ रहता है प्रीमियम। तो अगर आपका व्यू है आपको ज्यादा फ्यूचर्स में नहीं करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप लॉन्ग और कॉल पुट में ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है, बाकी कोई करेंसी का अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन स्ट्रेटजी, महेश आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सप्लेन हमारा शॉर्ट ट्रायंगल जो है वो। यस अनिश, थैंक यू। एक्चुअली मैडम ने आपको जैसे बताया कि जब भी करेंसी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, मतलब बाई साइड में जाने वाला है या फिर सेल साइड में जाने वाला है, तो हम लोग कॉल या पुट बाय करके फ्यूचर के बदले ऑप्शंस में पोजीशन लेके उस मूवमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कभी कभी, अब देख सकते हैं कि पूरा पूरा महीना यूएसडीएनआर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, एकदम रेंज बाउंड चलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी रेंज बाउंड मूवमेंट होता है यूएसडीएनआर में, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रायंगल का स्ट्रेटेजी एग्जांपल दिया है, जो रिसेंटली हम लोग ने एक्चुअली इसमें कॉल भी दिया है। ये लास्ट ट्यूजडे को ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिखाया है, 75 का कॉल इसमें सेल का किया है और 7550 का पुट भी सेल किया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल जो है, हम लोग लाइव मार्केट में ये कॉल एक्चुअली दे चुके हैं, दिया हुआ है, तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी होता क्या है कि जिसमें इसमें कुछ बाय नहीं करना है, इसमें सेल करना होता है। इसमें ऑप्शन जो होते हैं उसको बेच के काम करते हैं। बिकॉज अपने को पता है यूएस डॉलर का मूवमेंट अगर रेंज बाउंड रहने वाला होगा, तो ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो जीरो हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। जो करंट चल रहा है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, जैसे एक्सपायर नजदीक आएगी, वैसे इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इसके लिए कॉलर पुट को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रायंगल में यही होता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल को और आउट ऑफ द मनी पुट को डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का जो होते हैं उनको सेल करना होता है। और जैसे जैसे ये जैसे कि यूएसडी का आइडर का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस जो रेंज बाउंड रहेगा और एक्सपायर नज़दीक आएगी, वैसे इसका प्रीमियम कम कम होता जाएगा।
अभी रिसेंट का एग्जांपल जो इसमें दिया है कि हम लोग ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था 17 पैसे पे और पुट को शॉर्ट किया था 10 पैसे पे, 75 का कॉल था और 7450 का पुट था, तो नेट प्रीमियम जो हम लोग को रिसीव हुआ है वो 27 पैसे का है। ये ट्यूजडे को स्ट्रेटेजी दिया था और आज इसका प्रीमियम 17 पैसे का हो चुका है, मतलब यूएसडी का प्राइस डाउन हो गया, फिर भी मतलब 7450 के नीचे चला गया है यूएसडी आयनर का स्पॉट प्राइस, फिर भी ये स्ट्रेटेजी अभी भी प्रॉफिट में है, जो जिसका नेट प्रीमियम जो हो रहा है 17 पैसे का हो रहा है, 10 पैसे का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है। अगर ये आने वाले फ्राइडे तक ये यूएसडी का स्पॉट प्राइस अगर 7450 के आसपास भी रह जाएगा कहीं पे, तो भी हम लोग को इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7450 के आसपास अगर एक्सपायरी होता है स्पॉट प्राइस का, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे 27 पैसा मिल सकता है। तो ये है शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी, इसमें अगर रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा तो हम लोग इसमें पोजीशन इंप्लीमेंट करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू महेश। फिर करेंसी, जैसे मैं बोल रही थी आपको कि अपन हेजिंग एग्जांपल मतलब कर सकते हैं, जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके कमिटमेंट्स रहते हैं, तो अगर एक एक्सपोर्टर है तो वो यूएसडी सेल करके अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकता है, जब भी उसका जो भी डिलीवरी पीरियड है 45 days 60 days, तो वो यहाँ सेल करके अपना पोजिशन को हेज कर सकता है। जहाँ की अगर इंपोर्टर है उनका कुछ कमिटमेंट्स है 45 days या 60 days का जो भी, तो उन लोग यहाँ यूएसडी आईएनआर बाय करके अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं, ताकि जो भी करेंसी में रेट का फ्लक्चुएशन हो उससे उनको लॉसेस नहीं हो, जब भी उनका कमिटमेंट हो उसी दिन उन लोग सेम भाव में यहां अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं। करेंसी क्यों करना चाहिए, सबसे हम यहाँ ये इसके लिए गैदर हुए हैं। फर्स्ट इज कि मार्केट एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स है, जैसे कि मैं बोली कि 3:30 तक आप इक्विटी कर लीजिए, 3:30 to 5 तक ये मार्केट ओपन है, तो 3:30 to 5 आप करेंसी कर सकते हैं। प्लस मार्जिन आर वेरी लो, 2.5% to 3% मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है। अगर मुझे एक लॉट में काम करना है तो जो इनिशियल मार्जिन मेरा रिक्वायरमेंट है वो खाली 2,000 रुपया है। एज एन आनंदराती वी ऑल्सो, अगर आपके पास इक्विटी का होल्डिंग है तो वी गिव यू मार्जिन ऑन दैट होल्डिंग ऑल्सो, तो जो भी हेयर कट के बाद मार्जिन है आप उसको इक्विटी होल्डिंग को एज अ मार्जिन यूज कर सकते हो, बट एम टू एम के लिए आपके पास लेजर में पैसा होना जरूरी है। आपका डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट हमेशा से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कोई भी एक सेगमेंट में नहीं होना चाहिए, ताकि एक सेगमेंट जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तब इक्विटी बहुत जोर से गिर गया था एंड क्लाइंट्स लोगों ने बहुत सारे लॉसेस किए थे वो टाइम पे, वही अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो में 1 lakh है और आपने डाइवर्सिफाई किया है 50% into equity 25% into currency 25% into commodity, तो अगर एक सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो दूसरा उसको सपोर्ट कर सकता है, आपके लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऑल द क्लाइंट्स टू डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो इनटू ऑल 3 segments व्हिच इज इक्विटी करेंसी एंड कमोडिटी, ताकि वो एक हेजिंग टाइप का हो जाए। स्टैंडर्डलाइज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, मैंने जैसे कि बोला चारू का पैर अगर मैं बात करूं तो लॉट साइज 1000 है, तो यहां हमने एक एग्जांपल लिया है नीचे की टेबल में, जहां यूएसडी आईएनआर का लॉट साइज है 1000, मार्जिन रिक्वायरमेंट है 2000 रुपीज। अगर मैं पूरे दिन का एवरेज अगर मैं वॉलेटिलिटी का पकड़ू तो 40 से 50 पैसा है। अगर मुझे एक काम करना है जहां मैं एक आइडल स्टॉप लॉस लेती हूँ 10 पैसे का और टारगेट लेती हूँ 25 पैसे का, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 100 रुपीज का लॉस है, और अगर मेरा टारगेट अचीव होता है तो 250 रुपीज का गेन है। 10 पैसा is equal to 100 रुपीज, ये कैलकुलेशन है यूएसडी का। अगर मैं यूरो आईएनआर का बात करूं तो वहां मार्जिन रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज, पूरे दिन का वॉलेटिलिटी है 60 पैसा से 70 पैसे तक। अगर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रही हूँ जहां मैं एक आइडियल स्टॉप लॉस रख रही हूँ 15 पैसे का, टारगेट रख रही हूँ 30 पैसे का, इफ द स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड 150 रुपीज इज माई लॉस, इफ द टारगेट इज अचीव 30 पैसा विच इज 300 रुपीज गेन ऑन वन लॉट। एंड आई एम श्योर यू नो नो वन डूज वन लॉट बिकॉज द मार्जिन इज सो स्मॉल अमाउंट दैट यू नो नो वन डज वन लॉट, सो यू डू 5 lots 10 lots, तो वो अभी खाली आपको लग रहा है कि 300 रुपए ही है खाली, बट अगर वही आप 10 lot ट्रेड करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो 3000 रुपीज का गेन हो जाएगा। जीबीपी आईएनआर अगेन द लॉट साइज रिमेन्स द सेम 1000, द मार्जिन अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इज 2800 रुपीज टू ट्रेड इन जीबीपी आईएनआर,
थोड़ा वॉलेटिलिटी हाई है जीबीपी आईएनआर में, विच इज 70 to 80 पैसा. अगेन इफ आई एम डूइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग वेर आई एम कीपिंग 15 पैसा एज माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट एज 40 पैसा, इफ माय स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड 15 पैसे का 150 रुपीज इज द लॉस, इफ माय टारगेट इज अचीव ऑफ 40 पैसा 400 रुपीज इज माय गेन ऑन वन लॉट. जीपीवाई आईएनआर अगेन द लॉट साइज रिमेन्स द सेम 1000, मार्जिन अमाउंट इज 2700 रुपीज. एवरेज वॉलेटिलिटी पकड़ो तो 60 से 70 पैसे का वॉलेटिलिटी है. एक स्टॉप लॉस ले रही हूँ 15 पैसे का, टारगेट ले रही हूँ 30 पैसे का. इफ स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड 150 रुपीज माइनस, इफ टारगेट इज अचीव 300 रुपीज इज द प्रॉफिट. सो आप देख रहे हैं कि रिस्क ज्यादा नहीं है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है. सो यहाँ हमारा बहुत बेनिफिट्स है, जैसे कि मार्जिन्स कम है, वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, और अगर हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें तो हम अच्छे खासा इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं. टेक्निकल रिसर्च हमारे तरफ से, टेक्निकल के लोग क्या क्या टाइप के कॉल्स देते हैं. सो इंट्राडे कॉल्स आता है जो वन डे के लिए रहता है, कभी कभी उन लोग कैरी भी करते हैं वो कॉल्स को. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स रहता है, एसटीटी कॉल जिसको बोलते हैं, वो 8 से 15 दिन का एक टाइम फ्रेम है. अभी हमने नया एक कॉल चालू किया है करेंसी स्विंग पिक, ये आपको करेंसी स्विंग पिक के नाम से ही आएगा. अगर आप उसका देखिए तो वो अच्छा चल रहा है हमारा, 80 to 90% का एक्यूरेसी है, जिसका टाइम फ्रेम अगेन 15 to 30 डेज हो सकता है. स्प्रेड कॉल्स देते हैं हम लोग जिसका अगेन द टाइम फ्रेम इज 8 to 15 डेज. ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसे कि महेश ने बोला, वीकली हम ऑप्शंस का स्ट्रेटजी देते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं. और फ्यूचर एंड ऑप्शन कंबाइंड स्ट्रेटजी भी रहता है, जहां आपको फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस में एक कॉल आ जाएगा, जहां आपको अपने पोजीशन हेज करने हैं, वो भी कॉल्स वीकली आ जाएगा आपको. एवरी मॉर्निंग आफ्टर द मार्केट ओपनिंग हम एक मेजर जो यूएसडी आईएनआर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो हम हमारे टेलीग्राम लिंक पे भेज देते हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को मालूम पड़ जाए कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है. तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सब कॉल्स प्लस ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है सुबह पहले हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से वो आपको मिल जाएगा. तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का ट्रेड, किस तरीके की पोजिशन आपको लेनी है आज के लिए. फंडामेंटल रिसर्च में रिपोर्ट्स रहता है जो डेली रिपोर्ट्स रहता है, जो 8:45 AM को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं जो भी डेली रिपोर्ट्स है. मंथली रिपोर्ट फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आ जाता है कि मंथ में क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है, क्या मीटिंग्स एक्सपेक्टेड है, सब उसमें रहता है मंथली में. क्वार्टरली एवरी मंथ वो 15 के पहले पहले आ जाता है क्वार्टरली रिपोर्ट. कभी कभी अगर हमारे फंडामेंटल डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं इस पे स्पेशल रिपोर्ट करना चाहिए कोई भी 4 पेयर करेंसी में से, तो उन लोग स्पेशल भी करते हैं, स्पेशल भी करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, अगर कुछ भी कोई भी अपडेट आ रहा है, कोई भी न्यूज आ रही है आरबीआई से, एफओएमसी से, ईसीबी से, तो वो आपको सेम डे या तो फिर नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाता है. एडवाइजरी सर्विसेज हमारे पास आनंद राठी में एडवाइजरी सर्विसेज है, जहाँ हमारे पास हर रीजन के लिए एक डेडिकेटेड बंदा है जो आपके साथ नॉलेज शेयर करेगा, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा. जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, स्टक हो अगर कोई पोजीशन में, तो वो टेक्निकल के है, टेक्निकल से बात करके आपको गाइड करेगा कि आपके पोजीशंस को कैसे करना है, हेजेस करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या बुक कर लेना चाहिए. तो हमारी एडवाइजरी टीम है, हर को जोन वाइज डिवाइडेड है, मतलब आप जो भी ये रीजन से है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं आगे सबका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूंगी. ये एक व्हाट्सएप नंबर है जहां आप इसको सेव करके आप अपना क्लाइंट कोड हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे. अगर आपने ये एक्टिवेट कर लिया तो आपको व्हाट्सएप पे कमोडिटी करेंसी के कॉल्स आने लगेगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट डाउन दिस नंबर, एंड फ्रॉम योर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन जस्ट मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग. नंबर लिखो तो 8657 1046. So I would just repeat the number. It is 8657 1046 56. ये आप सेव कर लीजिए आनंद राठी रिसर्च कमोडिटी करेंसी के नाम से.
आप इस पे अपना क्लाइंट कोड भेज दीजिए, आपकी सर्विसेज फॉर करेंसी एंड कमोडिटी थ्रू व्हाट्सएप एक्टिवेट हो जाएगी. सो आपको खाली इस पे व्हाट्सएप पे अपना क्लाइंट कोड भेजना है, दैट्स इट, और रजिस्टर्ड नंबर से हमें भेज देना है, हम आपको ऐड कर लेंगे. अवेलेबल सेंट्रल डीलिंग सपोर्ट है हमारे पास. अगर आपको ऐप के थ्रू क्लाइंट को ट्रेड करना है तो ऐप के थ्रू कर सकते हैं. इनकेस उनको डीलर असिस्टेंट चाहिए तो हमारे पास सेंट्रलाइज डीलिंग डेस्क है एचओ में, जो हम लोकेटेड है बॉम्बे में. आप वहां भी कॉल करके ट्रेड कर सकते हैं. इनकेस आपको डीलर गाइडेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आपको एक डीलर गाइड करे कि क्या पोजिशंस लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो हमारे टेक्निकल टीम से बात करके आपको कॉल्स भी देंगे. तो सीडीडी का पूरा सपोर्ट आपके साथ है. अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं विथ योर कन्फर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, और क्लाइंट के रजिस्टर्ड नंबर पे ही ये कॉल जाएगा. आप कोई और नंबर से कॉल करके ट्रेड नहीं कर सकते. ये है हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहां पिंकेश इज लुकिंग आफ्टर कमोडिटी एंड करेंसी बोथ, मोहिद्दीन इज फॉर कमोडिटीज, आई एम फॉर करेंसीज, और ओपीजी ओपीजी का जो एडवाइजरी डेस्क देखते हैं. तो सबका कॉन्टैक्ट नंबर है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज नोट डाउन दिस नंबर्स, इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट गेट बैक टू ऑल ऑफ अस.